हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रही है यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग यानी तुमने कुछ गलत नहीं किया। यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, यही तो कहने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, दैट्स वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, यही तो कहने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, मानो या ना मानो वो गलत है। बिलीव इट और नॉट ही इज़ रॉन्ग, बिलीव इट और नॉट ही इज़ रॉन्ग, मानो या ना मानो वो गलत है। तो जब भी आप कहना चाहते हो मानो या ना मानो, तो आप पहले बोलोगे बिलीव इट और नॉट। तो ये कह रही है मानो या ना मानो वो गलत है, बिलीव इट और नॉट ही इज़ रॉन्ग। आगे कह रही है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है मैं तुम्हारी वजह से चुप रही, आई केप क्वाइट बिकॉज ऑफ यू, आई केप क्वाइट बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। वैसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक लाइक दैट, डोंट इवन थिंक लाइक दैट, वैसा सोचना भी मत। सो फ्रेंड, इस सेंटेंस को बोलने का एक तरीका और है, आप कह सकते हो डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, यानी ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ऐसा सोचना भी मत। मेरा वहाँ अभी जाने का कोई इरादा नहीं है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ, मेरा वहाँ अभी जाने का कोई इरादा नहीं है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ। सो फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रही है तुमने अपने बाल कब कटवाए, वेन डिड यू गेट यूर हेयर कट। सो फ्रेंड, यहाँ गेट का यूज़ क्यों हुआ, ये पूछ रही है कि तुमने अपने बाल कब कटवाए, वेन डिड यू गेट यूर हेयर कट। तो अब ध्यान से देखना कि इसने बाल जो है सामने वाले ने खुद नहीं काटे, किसी से कटवाए। तो जब हम किसी से कुछ करवाते हैं तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं, गेट का। तो यहाँ हैव का भी यूज़ होता है फ्रेंड, अगर हम चाहें तो हम बोल सकते हैं वेन डिड यू हैव योर हेयर कट, लेकिन हमने यहाँ गेट का यूज़ किया है, गेट का यूज़ भी हो सकता है, ज़्यादातर गेट का ही होता है। जब भी आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि तुमने अपने बाल कब कटवाए, तो आप बोलोगे वेन डिड यू गेट योर हेयर कट, यानी दूसरे से कब कटवाए, तो इसलिए हमने यहाँ गेट का यूज़ किया है, वेन डिड यू गेट योर हेयर कट, तुमने अपने बाल कब कटवाए। तो कह रहा है आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे, मैंने अपने बाल कल कटवाए थे, आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे, मैंने अपने बाल कल कटवाए थे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचना भी मत। दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है। What is wrong with you? तुम्हारी परेशानी क्या है? What is wrong with you? You have any idea what you just did? तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुमने अभी क्या किया? You have any idea what you just did? तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया? You have any idea what you just did? तुमने अभी लगभग हमें मरवा ही दिया था। You just almost got us killed. तुमने लगभग हमें मरवा ही दिया था। You just almost got us killed. नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है हमसे उम्मीद की जाती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। We are supposed to care about each other. हमसे उम्मीद की जाती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं यकीन नहीं कर सकता तुमने कर दिखाया। I can't believe you made it. सो फ्रेंड, मेड इट इसलिए यूज़ हुआ है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई कठिन काम करते हैं, ऐसा काम जो कि उम्मीद नहीं थी कि हम कर दिखाएंगे, ऐसे ही ऐसा काम कि इससे उम्मीद नहीं की गई थी कि ये बंदा ये काम कर देगा, लेकिन जब इसने कर दिया तो सामने वाला बोल रहा है आई कांट बिलीव यू मेड इट, मैं यकीन नहीं कर सकता तुमने कर दिखाया। आपने भी देखा होगा मूवियों में जब भी कोई कठिन काम करते हैं तो हम कहते हैं ना आई मेड इट, यानी मैंने कर दिखाया, आई मेड इट, वी मेड इट। तो यहाँ इसलिए यूज हुआ है आई कांट बिलीव यू मेड इट, मैं यकीन नहीं कर सकता तुमने कर दिखाया। पिछले साल मैंने किसी को खोया था, लास्ट ईयर आई लॉस्ट समवन, पिछले साल मैंने किसी को खोया था, लास्ट ईयर आई लॉस्ट समवन, और वो मेरे लिए बहुत कुछ था, एंड ही मेंट अ लॉट टू मी, और वो मेरे लिए बहुत कुछ था, एंड ही मेंट अ लॉट टू मी, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, आई डोंट नो वट हैपन टू मी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, I just got so excited. तो जब भी आप कहना चाहते हो कि मैं बहुत excited हो गया था, आप बोलोगे I just got so excited. नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है माफ़ करना,
मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। सॉरी आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। माफ़ करना, मैंने तुम्हें मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो इस पर कह रहा है, इफ़ यू टोल्ड मी अर्लियर आई वुडेंट हैव कम। अगर तुम मुझे पहले ही बता दिया होता, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ आया ना होता। तो पास्ट में के बता रहा है ना कि आ गया यहाँ पे, लेकिन जिस काम के लिए आया है वो हुआ नहीं, क्योंकि इस लड़की से मिलना आया था। ये लड़की कहने लगी मैं किसी और से प्यार करती थी, तो कोई ऐसी सिचुएशन थी, तो ये कहने लगी कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तो ये लड़का इसलिए बोल रहा है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता आई वुडेंट हैव कम, मैं यहाँ आता ही ना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ गुड टू हेयर योर वॉइस गाइज, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो गाइज हमने यहाँ दोस्तों के लिए यूज़ किया है, हम बोल देते हैं ना अपने दोस्तों को गाइज, तो यहाँ अपने दोस्तों से बात करके कह रहा है इट इज़ गुड टू हेयर योर वॉइस इज गाइज, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इट इज़ सो गुड टू हेयर योर वॉइस इज, आगे बोल रहे हैं तुम्हें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा दोस्त। सो गुड टू हेयर यू टू बडी, तो यहाँ बडी भी हमने दोस्त के लिए यूज़ किया है। तो कह रहे हैं सो गुड टू हेयर यू टू बडी, तुम्हें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा दोस्त। आई हैव गोट सो मच टू टेल यू गाइज, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। ये कह रहा है आई हैव गोट सो मच टू टेल यू गाइज, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव गोट सो मच टू टेल यू गाइज, तो कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ना फ़ोन पे, तो वे कह रहे हैं टेल अस व्हाट यू हैव सीन, बताओ हमें तुमने क्या देखा। टेल अस व्हाट यू हैव सीन, बताओ हमें तुमने क्या देखा। तुम्हें अभी सभी को यहाँ से निकालना होगा। यू हैव टू गेट एवरी वन आउट ऑफ हेयर राइट नाउ, यू हैव टू गेट एवरी वन आउट ऑफ हेयर राइट नाउ, तुम्हें अभी सभी को यहाँ से निकालना होगा। सो फ्रेंड हमने होगा इसलिए यूज़ किया है हिंदी में, लेकिन ये होगा क्या है, लेकिन बात प्रेजेंट में हो रही है। ये कह रहा है कि अभी अभी यानी कि प्रेजेंट में, तो इसलिए हमने विल का यूज़ नहीं किया। यू हैव टू गेट एवरी वन आउट ऑफ हेयर राइट नाउ, यू हैव टू गेट एवरी वन आउट ऑफ हेयर राइट नाउ, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई थिंक समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, आई एम टेलिंग यू, कह रहा है मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई थिंक समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, आई एम टेलिंग यू, आई थिंक समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, आई एम टेलिंग यू। जितना तेज भाग सकते हो भागो, रन एज फास्ट एज यू कैन, रन एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज हो सकता है भागो, रन एज फास्ट एज यू कैन। फिकर मत करो, मैं उसे यहाँ कभी नहीं आने दूंगा। डोंट वरी आई विल नेवर लेट हिम कम हेयर, डोंट वरी आई विल नेवर लेट हिम कम हेयर, मैं उसे यहाँ कभी नहीं आने दूंगा। फिकर मत करो, परेशान मत हो, मैं उसे कभी यहाँ आने नहीं दूंगा। डोंट वरी आई विल नेवर लेट हिम कम हेयर, यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे लड़की बोल रही है जब वहाँ पहुँच जाओ तो कॉल कर देना। सो फ्रेंड जैसे हम कह देते हैं ना कि वहाँ पहुँच कर कॉल कर देना, तो इस सिचुएशन में कह रही है कि जब वहाँ पहुँच जाओ कॉल कर देना। कॉल मी व्हेन यू गेट देयर, कॉल मी व्हेन यू गेट देयर, वहाँ पहुँच कर या वहाँ जाकर कॉल कर देना। कॉल मी व्हेन यू गेट देयर, तुम ये रख सकती हो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वेल यू कैन कीप इट बिकॉज आई डोंट नीड इट, वेल यू कैन कीप इट बिकॉज आई डोंट नीड इट, तुम ये रख सकती हो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन कीप इट बिकॉज आई डोंट नीड इट, डोंट मूव अंटिल आई से सो, तो यहाँ से सो होगा फ्रेंड, से के बाद सो आता है। हिलना मत जब तक मैं कहूँ ना, यानी जब तक मैं कह दूँ ना तब तक हिलना मत। डोंट मूव अंटिल आई से सो, डोंट मूव अंटिल आई से सो। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमें फ़ायदा होता है फ्रेंड, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो और बनाने की। सो फ्रेंड लाइक तो ज़रूर कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।